माननीय प्रधानमंत्री जी, पूर्वी द्वार से पैदल भगवान का एक छत्र लेकर ऊपर चढ़ रहे हैं। वो सीधे गर्भगृह में प्रवेश करेंगे। सिंह द्वार से प्रवेश हो गया। नृत्य मंडप में प्रवेश कर गए। रंग मंडप में प्रवेश हो गया। अब वो पूर्ण मंडप में प्रवेश करने वाले हैं। वहीं पर सब ट्रस्टीगण, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन राव भागवत, उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास जी महाराज उपस्थित है। केशव पाराशरण जी, वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, युग पुरुष परमानंद जी महाराज, अन्य सभी ट्रस्टीगण वहीं पर उपस्थित है। 12:07 हो गया है। गर्भगृह में प्रवेश हो चुका है। चांदी के छत्र गर्भगृह में गोविंद देव जी श्री राम के बढ़ाते हुए, एक एक कदम बढ़ाते हुए, अनेक मंडपों को पार करते हुए, पांच मंडपों को पार करते हुए उस अद्भुत क्षण के साक्षी होने जा रहे हैं जो विश्व में एक इतिहास रचेगा। श्री अयोध्या धाम, जो कि वैकुंठ का हृदय कहा जाता है, आज अत्यंत प्रफुल्लित है। आज उल्लास चारों ओर, आज आनंद चारों ओर, क्यों न हो। भगवान श्री राम पधारे हैं। भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। चेतना का संचार होने जा रहा है भगवान श्री राम की उस मूर्ति में, जो इस वक्त थोड़ी ही देर बाद आप देखेंगे कि कमल पत्र पर वो विराजमान खड़े भक्तों को दर्शन देंगे नव्य और भव्य रूप में। साथ ही साथ पुराने रामलला विराजमान भी अपने स्वरूप में स्वर्ण सिंहासन पर भक्तों को दर्शन देंगे, वो दिव्य दर्शन जिसके लिए सभी की आंखें तरस रही थी। दिव्य क्षण, युगांतकारी क्षण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं गर्भगृह में। प्राण प्रतिष्ठा होनी है भगवान श्री राम के बाल मूर्ति के, बाल विग्रह की। इन क्षणों को अगर देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समूची सनातन